अब हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट 7। सबसे पहले बताओ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो होता है, जैसे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं 10,000 रुपये बिजनेस में लगा रही हूँ, तो 10,000 रुपये मेरी कैपिटल है। अगर मान लो मैं ये 10,000 रुपये बिजनेस में ना लगाती और बैंक में जमा कर देती, तो बैंक मुझे एट द रेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 7% का इंटरेस्ट देता और ये 7% मेरी इनकम होती, ठीक है। पर मैंने सोचा नहीं, 10,000 रुपये अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगी तो मेरा ज्यादा फायदा है, तो मैं 10,000 रुपये बिजनेस में लगा दिए। तो बिजनेस के लिए, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बिजनेस के लिए 10,000 रुपये क्या है? कैपिटल है। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि बिजनेस को ये पैसे प्रोपराइटर को, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रोपराइटर को ये 10,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। सिर्फ 10,000 रुपये वापस नहीं करेगा बिजनेस, सूद समेत, ब्याज सहित ये 10,000 रुपये वापस करेगा, और हर साल बिजनेस को, प्रोपराइटर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस कैपिटल पर। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल 250 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो बिजनेस के लिए ये 250 रुपीज एक्सपेंस हुआ, ठीक है। 250 रुपीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ये बिजनेस हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 250 रुपीज दिखाएगा कि ये मेरा खर्चा है, कि मैं ये प्रोपराइटर को हर साल 250 रुपीज देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये 250 रुपये बिजनेस को सूद समेत वापस भी करना पड़ेगा, है ना, तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि उसे पैसे वापस करने हैं प्रोपराइटर को। तो ये हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 250 रुपये। का कैसे दिखाएंगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल अकाउंट में जोड़ करके दिखाएंगे कि हमें अभी इतने पैसे वापस करने हैं प्रोपराइटर को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पहले से ही आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये का अगर था तो 1,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में पहले से ही आ रहा था, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दिया हमने 250 रुपये, तो इसका मतलब हमें 1,250 रुपये अभी प्रोपराइटर को वापस करने, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। समझ आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि हम इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरह से करते हैं? पहले खर्चा दिखा देंगे पीएल अकाउंट में, और बैलेंस शीट में दिखा देंगे ऐड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250, ठीक है। ये पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट 8, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब मान लो प्रोपराइटर ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा था कि बिजनेस इंटरेस्ट देगा प्रोपराइटर को कैपिटल पर, है ना, तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अब अगर प्रोपराइटर बिजनेस से पैसे ले रहा है, तो प्रोपराइटर भी तो पैसा ब्याज समेत बिजनेस को वापस करेगा, कि सिर्फ बिजनेस ही ब्याज समेत पैसा देगा? प्रोपराइटर भी ब्याज समेत पैसा देगा। तो अगर प्रोपराइटर ने 1,000 बिजनेस से निकाले हैं, 1,000 की ड्रॉइंग्स करी है प्रोपराइटर ने, तो प्रोपराइटर जब बिजनेस को ये पैसा 1,000 रुपये वापस करेगा, तो ये ब्याज समेत वापस करेगा, सूद समेत वापस करेगा, ठीक है। तो अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसका कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 175 रुपीज है, तो पीएल अकाउंट में एक तरह से बिजनेस के लिए तो ये इनकम है ना, बिजनेस की तो अर्निंग हो रही है इंटरेस्ट की, तो बिजनेस अपने पीएल अकाउंट में 175 रुपीज यहाँ पे शो कर देगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है। और बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करके दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ऑलरेडी प्रोपराइटर ने बिजनेस में कुछ पैसे लगा रखे हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमने इसका यहाँ पे नेट अफेक्ट करके दिखाया है कि अच्छा ठीक है, प्रोपराइटर ने बिजनेस में 1,000 रुपये लगा रखे हैं, और बिजनेस को प्रोपराइटर को वापस करने हैं 175 रुपीज, तो कुल मिलाकर के
प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए हैं, 1000 माइनस 175, 825 रुपीज। ये हमने नेट इफेक्ट करके दिखा दिया। तो अब अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लो कि आखिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट में किस तरह से करते हैं और बैलेंस शीट में किस तरह से शो करते हैं। ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, रिविजन में बहुत 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 आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। बस सामने सामने सब कुछ दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल से हटाना है और पीएल में लेके जाना है, कोई झमेला नहीं है, सब कुछ सामने सामने दिख रहा है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है।